नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी के योगदान वाले मिलेट्स पर आधारित गीत को ग्रेमी पुरस्कार के लिए किया गया नॉमिनेट। चीन की आक्रामकता का मिलकर जवाब देंगे भारत अमेरिका, 2+2 वार्ता में दोनों के बीच बनी रणनीतिक मुद्दों पर सहमति। दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, प्रदूषण में आई कमी, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सरकारी नौकरी दिलवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, सीबीआई ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की। डिजिटल विज्ञापन नीति को मिली मंजूरी, वेबसाइटों, ओटीटी और पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्मों पर होगी लागू। अलीगढ़ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल, वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, सड़क हादसे में 3 की मौत, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर में आकर्षण का केंद्र बना मां वैभव लक्ष्मी मंदिर, मंदिर में पैसों से हुई सजावट, जिसमें 10 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट शामिल हैं। संभल में योगी कैबिनेट बैठक पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान पर का बयान, बाबरी मस्जिद को गैरकानूनी तरीके से शहीद किया। राम का नाम छिड़ा संग्राम, श्री राम के नाम पर कांग्रेस में रार, प्रमोद कृष्णम ने पार्टी नेताओं पर दिया बयान। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री नवाज शरीफ को मिली राहत, तोशाखाना मामले में एनएबी कोर्ट ने दिए मर्सिडीज। गाजा में अस्पतालों के बाहर चल रही जंग, नेतन्याहू ने कहा दुनिया को हमास की करनी चाहिए निंदा। गाजा में 3 बड़े अस्पतालों को इजरायली टैंकों ने घेरा, हजारों लोग भागने को मजबूर, हमास ने किया दावा। गाजा में बने रहने का प्लान नहीं, हम शासन करना नहीं चाहते, सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान साफ। सिंगापुर में दिवाली पर लगा पोस्टर, भारतीयों से सफाई को कहा गया, बवाल बढ़ा तो उतारने जा रही सरकार। रचिन रवीन ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब, जसप्रीत बुमराह और क्विंटन डिकॉक को पछाड़ अपने नाम किया अवार्ड। अफगानिस्तान के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने विकेट के पीछे रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के लिए बनाया नया रिकॉर्ड। फीफा विश्व कप क्वालिफायर से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर, कोच ने कहा तैयार है टीम। पंचानवे साल की भगवानी देवी ने रचा इतिहास, एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता 3 स्वर्ण पदक। पटियाला की तीरंदाज पंडित पहली बार बनी एशिया चैंपियन, एशियाड विजेता ज्योति को हरा कर जीता स्वर्ण। टीवी सीरियल भाभी फेम डोली सोही को हुआ कैंसर, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा के बीच हुई तीखी बहस, घर में शुरू हुआ एक और नया मुद्दा। घर में देसी स्नैक्स के साथ दिवाली एंजॉय कर रही है करीना कपूर खान, फोटो शेयर करके दिखाई झलक। शाहरुख खान ने फैंस को दी दिवाली की बधाई, शेयर किए दुनकी के नए पोस्टर्स, लिखा बिना ऐसी फैमिली के कैसे होगी दिवाली।
चौकदार चीज का ट्रेलर देख अमिताभ बच्चन ने की नाती अगस्ती नंदा की तारीफ, पोस्टर शेयर करके बढ़ाया हौसला। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।